मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अचानक दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव के साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट भी चलने लगी है, लिहाजा उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। शुक्रवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी है। यूपी सदन पहुंचने के थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके घर रवाना हो गए। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और हालांकि सीएम योगी ने इसे एक महज शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर बताया है। पार्टी के दोनों ही नेताओं ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की है। साथ ही यूपी सदन में सीएम योगी से मिलने के लिए हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद, भाजपा सांसद सत्यपाल और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल सहित कई नेता भी पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात सीएम योगी और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हो सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच गुरुवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास उनसे मिलने के लिए पहुंची। अनुप्रिया पटेल ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ यूपी चुनाव, गठबंधन और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल पहले ही ये कह चुकी है कि उनकी पार्टी की यूपी कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी बनती है, इसलिए वो चाहती है कि यूपी कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो और उनके दो लोगों को मंत्री बनाया जाए। फिलहाल यूपी कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक राज्य मंत्री है जिनका नाम जयकिशन जैकी है, जो कि जेल राज्य मंत्री है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की राजधानी के साथ साथ सूबे की राजधानी में हलचल तेज हो गई है। राजधानी में विधानसभा के पास एकाएक पुलिस व्यवस्था टाइट कर दी गई है। अचानक विधानसभा लोक भवन के पास पुलिस अधिकारियों का तांता लग गया। तमाम बड़े अधिकारी, डीजी सिक्योरिटी, लखनऊ कमिश्नर, कमिश्नरेट के बड़े अफसर, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी सेंट्रल विधानसभा की सुरक्षा में लगे हुए नजर आए और ये सब तब हो रहा है जबकि मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में मौजूद है। भाजपा में जारी सियासी उथल पुथल के बीच एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर एक साथ तंज कसते हुए निशाना साधा है। लेकिन यह ट्वीट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें अखिलेश का शायराना अंदाज देखने को मिल रहा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान पहिया धसा है, यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। तो शायरी के अंदाज में निशाना साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। तो यूपी में जिस तरह से योगी और मोदी के बीच में जो कयास लगाया जा रहा है, अटकलें इस बात की है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके बाद ये ट्वीट जो सामने आया है ये कई बातों की तरफ इशारा भी करता है। और बात अब कोरोना की। आगरा के पारस अस्पताल में किए गए मौत के मॉक ड्रिल के मामले की पूरी सच्चाई एक एक करके सामने आ रही है। एक बार फिर डॉक्टर्स की जो पोल है वो खोलते हुए एक वीडियो सामने आया है। और दरअसल इस वीडियो में अस्पताल संचालिका ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो संचालिका डॉक्टर तुलिका ने प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था। ये वीडियो 25 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है। ये वीडियो जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऑक्सीजन की कमी ना होने के दावों की पोल को खोल रहा है। क्या कुछ इस वीडियो में है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं सर
कि मेरे सेंटर पे आगरा मेडिकल एंड कार्डियक रिसर्च सेंटर पे गैस खत्म हो चुकी है, हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए, मेरा आदमी वहां पे 4 बजे से खड़ा हुआ है। मुझे आज 50 सिलेंडर पे सिर्फ 27 सिलेंडर मिला था और 50 मरीजों पे मैंने 27 सिलेंडर पे काम किया है। मैंने अंबू बैग मंगवा लिए हैं, मुझे पता है आप लोग नहीं गैस भेजेंगे और मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगी। मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है सर, 23 सिलेंडर है उसके पास सर, प्लीज मुझे भिजवा दीजिए। बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत यंग बच्चे हैं मेरे पास, 27 साल के, 30 साल के। प्लीज सर, बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज निकाल दीजिए। मरने का वेट नहीं करिए कि मरने के बाद आप निकालना शुरू करेंगे और मुझे एहसान में 5 सिलेंडर दे देंगे, मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी। प्लीज तब तक आप मरीजों को बस उनका सपोर्ट भिजवा दीजिए, लाइफ सपोर्ट, उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहे करें, मैं उसके बाद ताला लगा दूंगा। देश और प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर है। इसके लिए नगर में जिला चिकित्सालय से लेकर वार्डों में और मोहल्लों में वैक्सीनेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हो सके। लेकिन इस वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र रावरपुरा मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज सुबह एक युवक को 5 मिनट के अंतराल में वैक्सीनेशन की दोनों ही डोज लगा दी गई। वह युवक का यह कहना है कि उसे पता नहीं था कि वैक्सीनेशन में एक बार इंजेक्शन लगता है या फिर 2 बार, इसलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन घर जाने के बाद उसे थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी महसूस हुई तो वो तुरंत ही सीएमओ के पास पहुंच गया। वहीं सीएमओ ने युवक को आधे घंटे अपने पास बैठाया और उसके बाद उसे इमरजेंसी में भेज दिया गया। ऐसे में सीएमओ का यह भी कहना है कि उन्होंने लखनऊ से भी इस प्रकार के मामले की जानकारी प्राप्त कर ली है और कोई नुकसान इस शख्स को नहीं होने की बात सामने आई। मेरी जानकारी में आया है कि रावर स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया और घर जा कर के 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है, लगाने वाले को ही पता होना चाहिए था, कि इंजेक्शन 2 बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करें। मेरे जनपद में अभी तक 90,000 इंजेक्शन लग चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। सूबे के करीब 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिलेगी। लखनऊ, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हुई, जिसका कि कुछ जगहों पर लोगों ने लुत्फ भी उठाया। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीणा कुमारी ने विवादित बयान दिया है। मीणा कुमारी ने लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिस पर हंगामा हो रहा है। मीणा कुमारी ने यह भी कहा है कि लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती है और उनके मोबाइल भी अब चेक नहीं किए जाते हैं, घर वालों को पता नहीं होता, और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ लड़की जो है वो भाग जाती है। समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। तो वही महिला आयोग की सदस्य के बयान पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तंज कसा है। अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा से क्यों भागना चाहती है, इससे शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती है।
महिलाओं के सदस्य का भाई, पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने की बात कर रहा है, वहीं वो कह रही हैं अगर लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करेंगी तो बात करते भाग जाएंगी, अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई, इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती कि वो महिला सुरक्षा से अपना हाथ खींच के उनकी जिम्मेदारी उनके मां बाप पर डालना चाहती है। बिजनौर के थाना मंडावर के नारायणपुर गांव में एक परिवार के 3 लोगों को जहर खा लिया इन लोगों ने, और दरअसल परिवार का यह कहना है कि पुलिस ने उस पर दबाव बनाया था, जिसके बाद पुलिस से तंग आकर पति पत्नी और बेटी ने जहर खा लिया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल मेरठ रेफर किया गया। राजधानी में बीजेपी विधायक का को यहां पर खास बताते हुए अपने आप को उन्होंने बीजेपी का खास बताकर जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया। यहां पर शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव को धमकी मिली है। दरअसल कुछ दिन पहले अंकुर श्रीवास्तव ने धन गबन के मामले में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से फोन पर धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि मैं बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू का बेहद करीबी हूं, जान मान जा नहीं तो कट्टा बंदूक और राइफल के साथ मिलेंगे। ने मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत और मुझे धमकवाया बीजेपी के बहुत ही खास जो कि बीजेपी के विधायक हैं शैलेंद्र सिंह शैलू, उनका खास कह के मुझे एक विक्की पांडे नाम शख्स का फोन आता है और मुझसे कहता है अजीत से दूर रहो, उसके काम से दूर रहो, अन्यथा तुमसे रिवॉल्वर राइफल और गोली के साथ तुमसे मुलाकात करूंगा। इस तरह से मुझे धमकाया जा रहा है बीजेपी के लोगों से के द्वारा, मुझे धमकी दी जा रही है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता की मदद कैसे करेंगे अगर अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। एटा में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और अलीगंज पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के मार्केट पर बुलडोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि मार्केट को अवैध तरीके से बनाया गया है। ऐसे में सपा नेता का यह कहना है कि बीजेपी पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। मार्केट जो है हमारा बना हुआ है और हमारी जमीन में बना हुआ है, उसमें कोई भी अनलीगलिटी नहीं है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि विनमित क्षेत्र में नक्शा पास नहीं है। अभी जो हमारी ADM साहब से बात हुई, जब सिविल कोर्ट का यथास्थिति का आदेश है पूरी बिल्डिंग पर कि इस पर कतई भी कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो जब तक सिविल कोर्टों उसमें जिला अधिकारी एटा और SDM सारे लोग उसमें पार्टी हैं, तो जब तक कोर्ट से डिसाइड नहीं हो सकता है तब तक ये कैसे डिमोलिश कर सकते हैं? ये बिल्कुल अन्याय, सरासर गलत है। हमीरपुर के गांव पोथिया में साले ने बहनोई को जिंदा जलाया। दरअसल पत्नी को विदा कराने के लिए जिद की तो साले मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर बहनोई को जिंदा साले ने जला दिया और उसके बाद युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आज पुलिस ने 3 शातिर चोरों से एक कार सहित 18 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद किए। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने यह बताया है कि ये लोग काफी समय से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मऊ रानीपुर पुलिस के द्वारा 19 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली, राजस्थान, MP इत्यादि से वाहन चोरी कर यहाँ पर फर्जी कागजात बनाकर बेचते हैं। जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली में चौकीदारी का काम करता है, उसके द्वारा ही वाहन मुख्यतः चोरी किए जाते हैं, जिसमें से 1 i10 और 18 टू व्हीलर पुलिस ने बरामद किए हैं। शेष जो आरोपी हैं अभी वो फरार हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। साथ साथ कुछ अन्य वाहन भी हैं जिन्हें बरामद किया जाएगा।
गाजियाबाद के महंत नरसिंहानंद सरस्वती आज मथुरा पहुंचे हैं और गोवर्धन में साधु संतों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वो पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है वहीं पर वो दूसरे को जीवित नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी देश हो। इसके अलावा कोरोना महामारी पर उन्होंने कहा कि मैं कोरोना को नहीं मानता और ना ही मैं मास्क लगाता हूँ। मास्क लगाकर आपको बीमार बनाया गया है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ऐसे में हिंदुत्व की बात करने वाले लीडर अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर देश कैसे कोरोना की इस महामारी से लड़ सकेगा। अंधकार में, बहुत ही अंधकार में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को एक नरक, एक जहन्नुम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। फरुखाबाद में दबंगों ने लाठी डंडों से युवक की पिटाई की है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे लोगों का युवक ने विरोध किया है और दबंगों ने धारदार हथियार से युवक की पिटाई कर उसकी स्थिति को गंभीर कर दिया। परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को कमालगंज सीएससी में भर्ती करवाया है, लेकिन नाजुक हालत होने पर लोहिया अस्पताल में उसे रेफर किया गया। चल रही थी और ये लोग मतलब विरोध कर रहे थे कि सपा भाजपा वगैरह, तो मेरा एक भाई जो घायल हैं ये अकेले मौके पे थे, इन्होंने इस बात का विरोध किया तो ये लोग भैला फुसला कर अपनी बेकरी पे ले गए। वहाँ पर इनके 14-15 आदमी थे, इन्होंने उन्हें बेरहमी से मारा धारदार हथियारों से। वो इस समय हम उनको लेके आए थे इधर अपने सामुदायिक अस्पताल में, मौलाना कल्बे जवाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मदरसे के संबंध में सीएम योगी को यह पत्र लिखा गया है। मदरसा सुल्तानुल मदारिस की जमीन मदरसे के नाम करने की मांग की गई है। इसमें बता दे हुसैनाबाद ट्रस्ट के प्रबंधन में मदरसा यह आता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 600 से कम केस मिलने पर जिलों को अनलॉक किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में भी अनलॉक हो चुका है, लेकिन अब व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति तभी मिलेगी जब व्यापारी कोरोना वैक्सीन की डोज लगा लेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में अनलॉक के दौरान 45 से ज्यादा उम्र के व्यापारी अपनी दुकानों को नहीं खोल सकेंगे। जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है वो अपनी दुकान नहीं खोल पाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताया कि कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इसके अलावा उन राज्य के कर्मचारियों का जून का वेतन भी रोका जाएगा जिन्होंने की वैक्सीन नहीं लगवाई है। 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें, क्योंकि किसी की भी मृत्यु होती है तो फिर वो व्यवस्था को दोष देते हैं। बाराबंकी में प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते एक पति पत्नी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस हमले में पत्नी की मौके पर मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल प्रधानी के चुनाव के दौरान गांव के दो पक्षों में रंजिश चल रही थी और इससे पहले भी गांव के दबंग इन पर हमला कर चुके थे। वही कल देर रात जब ये पति पत्नी बाराबंकी से वापस अपने गांव जा रहे थे कि तभी घात लगाए दबंगों ने उन पर फिर से हमला कर दिया, जिसमें कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया।
गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने दो मासूमों पर हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब सोसाइटी के एक रेजिडेंट अपने पालतू कुत्ते को सोसाइटी कैंपस में घुमा रहे थे, तभी अचानक कुत्ते ने सोसाइटी में मौजूद दो छोटे बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से बच्ची घायल हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। हालांकि घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से नहीं की गई है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने को लेकर एक चुटकी ली है। उन्होंने अपनी कॉमेडी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा और बीजेपी को बर्तन झाड़ू पोछा पार्टी बता दिया है। राजू श्रीवास्तव ने आज अपनी फेसबुक पेज पर कनपुरिया अंदाज में जितिन प्रसाद और राहुल गांधी की मौज लेते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया है। ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। अजीब चल रहा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये राहुल गांधी के जितने सखा हैं सब छोड़ छोड़ के बीजेपी में घुसे आ रहे हैं। पहले देखो सिंधिया है बीजेपी में, अब ये जितेंद्र प्रसाद आ गए। आज जितेंद्र प्रसाद उनकी तीन तीन पीढ़ी कांग्रेस में रही। हाँ, राहुल गांधी के लोग खास दोस्त। अब कहीं राहुल गांधी ना आ जाए बीजेपी में, मोदी जी राहुल गांधी को ना लेना। नहीं, एक आदमी रहने दो कांग्रेस में यार। कोई ना रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, सब चले आ रहे हैं बीजेपी में। वैसे एक बात है, राष्ट्रीय पार्टी तो अपने देश में एक ही है बीजेपी, बाकी या तो पारिवारिक पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है। अब यार अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो कैसा लगेगा? कहीं पुराना जमाना ना आ जाए वो वाला राजा वाला कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ा है। तो ऐसे न्यूज आया करेगी, राजा नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किए। राजा नरेंद्र मोदी ने ये कहा। चलो ये वाला टाइम भी देख लेंगे, क्योंकि यार ये राजा वाला और शहंशाह वाला हमने देखा नहीं यार। किससे कहानी में पढ़ा है? वैसे जितेंद्र प्रसाद एक बात बता दे गुरु, आ तो गए हो बीजेपी में, काम बहुत करवाते हैं। पहले खूब काम करना पड़ेगा, खूब दौड़ाएंगे। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में कुर्सी लगाना, दरी बिछाना, चाय बांटना, सब दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। हम तो घर में भी बीजेपी में आजकल बीजेपी बर्तन झाड़ू पोछा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी।